समझने में देर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती, आओ। हाँ, ये दिखाने के लिए, ताकि कई लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आती, पता नहीं। और तब भी कमल था, आज भी कमल। क्या कारण था कि आजादी के कई वर्षों तक बजट शाम को 5 बजे आता था? किसी ने सोचा नहीं, बस 5 बजे चल रहा है, चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? 5 बजे इसलिए बजट चलता था कि यूके की पार्लियामेंट के टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से शाम को 5 बजे बजट आया। अब हमने उसको ही चालू रखा। और हम बहुत, कम लोगों को मालूम होगा, हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम है। आपके पास घड़ी है तो देख लीजिए। उसी प्रकार से, हाँ, ये दिखाने के लिए, ताकि कई लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आती, पता नहीं। I'm leaning in, pushing off my sneakers to the ground. I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now I'm top down. उनके एक युवा नेता है, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते हो भी ऐसे करते। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था, अब पता चल रहा है। तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। और इसलिए इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। That's right, six figures in my back pocket, and that's right, $1 million in my safe deposit. That's right, I'm trill all day, on my way to a Billy, staying real all day, man. आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, भी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जाता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। You wanna try me, come to my coast. I'm an east side boy and this boy don't play. I leave mad jaws dropping, nothing to say. And I'm a mad rich kid, but nothing to pay. Sharp tongue cut you up like a fish fillet. मालूम आएगा नहीं कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री का चार्ट किसके पास है, जिसको मालूम ही नहीं है। ये ऐसे ही चल रहा है देश। अरे किसके पास में चार्ज है वो भी मालूम नहीं। आपकी जानकारी के लिए, ऑल इन वन अभी चल रहा है दिल्ली में। फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी,
प्रधानमंत्री इंचार्ज प्रणब मुखर्जी, सारे चार्ज प्रणब मुखर्जी, खुद डिस्चार्ज। अत्यारे 7:45 PM मैंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की अरे ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने मेरे से बात की I'ma call it swagger. I slip through time zones like a cloak and dagger. Mad rubies on my chain. You can see your name bubble in blood vein. Your girl's in my ear because she's sipping on my champagne. पर कहते हैं कि गुजरात में 74% के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बात हो रही है, लेकिन 0.7% का ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2013 में हुई है। एजुकेशन सिस्टम गुजरात में उतना खास नहीं है उनका कहना है, और स्पोर्ट्स में भी है, गुजरात स्पोर्ट्स में भी पीछे है, ये इनका दावा है। आप क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या वहां मोदी का जय जयकार करेगी क्या? भारत सरकार के एम्प्लॉयमेंट संबंधित हिसाब किताब देख लीजिए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। भारत सरकार खुद कहती है कि हिंदुस्तान में पूरे देश में जितने रोजगार मिले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा, उसमें 50% से ज्यादा अकेले गुजरात में और 50% में सारा हिंदुस्तान। मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार में इतना दम होना चाहिए कि वो गुजरात के सरकार के हर कारनामों का अध्ययन करें, बड़े से बड़ी एजेंसी को लगा दें और सुई जितने भी बुराई हो तो ढूंढ करके निकाल लें। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं और जो लोग उनके लिए ताली बजाते हैं उनको भी पूछता हूं, जो उनके लिए बाजे बजाते हैं उनको भी पूछना चाहता हूं, जो लोग उनके लिए दिन रात गीत गाते रहते हैं उनको भी पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी तो क्या कारण था कि उनकी पार्टी के 25% एमएलए चुनाव के पहले कांग्रेस को अलविदा कर गए? क्या कारण? राजनेता हवा के रुख को जानता है। फिर चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती, आओ। Fuck a move, the world's full of cunts. I'm seeing red, must be my time of the month. Look, when I bitch and rant, they just shit their pants. So they fix a plan for when it switches off. जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, 1857 का स्वतंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा, और सबने मिल करके लड़ा था। संप्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी, और तब भी कमल था, आज भी कमल है। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया! बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया। कितने महान लोग हैं। लेकिन अध्यक्षा जी, उस पार्टी के लोकतंत्र को देश भली भांति जानता है। देश पर आपातकाल थोप दिया गया था,
हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। देश के गणमान्य वरिष्ठ नेता जयप्रकाश बाबू समेत लाखों लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया था। अखबारों पर ताले लगा दिए गए थे और उन्हें अंदाज नहीं था कि जनशक्ति क्या होती है। लोकतंत्र को कुचलने के ढेर सारे प्रयासों के बावजूद भी इस देश की जनशक्ति का सामर्थ्य था कि लोकतंत्र पुनः प्रस्थापित हुआ और उस जनशक्ति की ताकत है कि गरीब मां का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। I'm laughing because my motherfucking life is a mess, but I've made it. And I wouldn't trade it, cause I stay faded. Fucking all the bitches till it look like we related.